नमस्कार, मैं कोपल हालन स्वागत करती हूं आपका सी लॉर्ड न्यूज में। गुरुवार को सुबह से ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, जिसमें दोनों देशों के कई सैनिकों की जान जा चुकी। इस हमले में अब तक 50 लोगों की मौत हो गई है, इसमें 10 आम नागरिकों के मारे जाने की बात सामने आई है। यूक्रेन ने भी रूस के 50 सैनिक मारने की बात कही। यूक्रेन ने अपने बयान में कह दिया है कि वो झुकेगा नहीं और डट कर मुकाबला करेगा। साथ ही यूक्रेन ने लड़ने में सक्षम अपने नागरिकों से हथियार उठाने की अपील की। न्यूज रिपोर्ट के अनुसार रूस अपने हमले में यूक्रेन के समूचे सैन्य बुनियादी ढांचों को निशाना बना रहा है। साथ ही रूसी सेना सभी संभव दिशाओं से यूक्रेन में घुस रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि यूक्रेन ने अपने क्षेत्र पर रूसी हमले के बाद रूस के साथ सभी तरह के कूटनीतिक रिश्तों को तोड़ दिया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारतीय दूतावास ने एक दिन के अंदर ही अपने नागरिकों के लिए तीसरी एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि वे सभी नागरिक जिन्हें अपने क्षेत्रों में बम गिरने से जुड़े सायरन सुनाई दे रहे हैं, वे सभी लोग बंकरों में शरण लें। सभी नागरिकों को शांति आने तक बॉम्ब शेल्टर में छिपने के लिए कहा गया। वहीं ब्रिटेन के राष्ट्रपति बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन पर हमले को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी दी है। उन्होंने पुतिन को तानाशाह करार दिया है और हमले को घिनौना बताया है। ब्रिटेन के पीएम ने कहा कि पश्चिमी देश जल्द ही रूस के खिलाफ बड़े प्रतिबंधों का ऐलान करने वाला है, क्योंकि हम इस संकट से मुंह नहीं फेर सकते। वहीं नाटो के महासचिव जेंस स्टॉल्टनबर्ग ने भी रूस की निंदा करते हुए कहा है कि हम रूस से सैन्य कार्रवाई को तुरंत बंद करने और यूक्रेन से पीछे हटने का आह्वान करते हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए रूस से कहा है कि वे अपनी सेनाओं को यूक्रेन से निकाले और बातचीत की मेज पर वापस लौटे। रूस यूक्रेन से जुड़ी खबरों के लिए बने रहे सी लॉर्ड न्यूज के साथ। धन्यवाद।